गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड के बारे में बताने जा रही हूँ कि SST में जो 6 प्रकार के टीचिंग जो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं टीचिंग एड को लेकर के, हम मैं उनको आपको बताऊँगी। तो नंबर 1 इसमें है चयन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं वो कंटेंट के हिसाब से हमारा टीचिंग एड क्या है। क्या वो कंटेंट मॉडल चाहता है, क्या वो कंटेंट चार्ट चाहता है, क्या वो कंटेंट फ्लैश कार्ड चाहता है। यानी हमको ये समझना पड़ेगा कि हम उसमें आखिर वो जो हमारा टीचिंग एड है वो हमसे कौन सा टीचिंग एड चाहता है। इसके बाद दूसरा तैयारी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। बिल्कुल, हमें तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। हमको अगर कुछ पढ़ाना है क्लास में जा करके, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको उसके लिए एकदम से हम टीचिंग एड बना लेंगे। हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने दिमाग को, कि हम इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा इसमें हम टीचिंग एड यूज़ करेंगे, और उसके उसको उस टीचिंग एड को हमको पहले से ही बनाना पड़ेगा। हमें फिक्स करना होगा कि हम इस तरीके से करके उसका यूज़ करेंगे, दिखाएंगे। और तीसरा हमारा सिद्धांत है प्रदर्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। हम कैसे क्लास में जा करके अपने टीचिंग एड को स्टूडेंट के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुत मुख्य बिंदु है स्टूडेंट। इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हम उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम कैसे कर रहे हैं, अगर हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाला मुख्य बिंदु है। इसके बाद आता है अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स ये कहता है कि अगर आप गए और आप ही बोलते रहे, स्टूडेंट से आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, तो फिर तो आपका पढ़ाना बेकार हो गया। बिल्कुल, आपको रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। आप उनको, आपको उनसे टाइम 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 टू टाइम पूछना पड़ेगा कि ये आपको समझ में आया या आपको नहीं समझ में आया। इसके बाद आता है स्टूडेंट भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। एकदम सही बात है, हमारा जो टीचिंग एड है, हमारा जो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो हम अपने कंटेंट को एग्जैक्टली जो डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। कई मॉडल वर्किंग मॉडल होते हैं, उस पर हमें कंट्रोल करना होता है कि ये कैसे चलेंगे, कैसे मूव करेंगे। चार्ट होते हैं जो उसमें हम उनको पॉइंटर की सहायता से बताते हैं, हम उन्हें बताते हैं कब किस पॉइंट पे हमें पॉइंटर रखना है और अपने स्टूडेंट को अपनी बात को बताना है। अगर हम फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें उस पर भौतिक नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जहाँ पे चाहे वहाँ पर हम उसका यूज़ करें। इसके बाद का पॉइंट आता है मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। मतलब जब सब कुछ हो गया, हमने पढ़ा लिया, हमने टीचिंग एड दिखा दिया, पर टीचिंग तभी पूरी होती है जब उसका मूल्यांकन होता है। मतलब कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं आपके स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, जो टीचिंग एड आपने प्रस्तुत किया वो स्टूडेंट की समझ में आया या नहीं आया, ये जानना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 6 सिद्धांत इस टीचिंग एड के, जिनको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके।